नेशनल हेरल्ड मामले में यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया गया है। दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं, उन्हें जो करना है कर लें। हमारा काम संविधान की रक्षा के लिए लड़ना है, देश के सम्मान के लिए लड़ना है और यह जंग जारी रहेगी। राहुल ने कहा, अब सत्याग्रह नहीं, अब रण होगा। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो सुनिए सुनिए, बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है, देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। उधर राहुल के बयान पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, देश का कानून सबके लिए एक है, वह न कांग्रेस अध्यक्ष के लिए बदल सकता है और न ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के लिए। वे भारत के कानून से भिड़ना चाहते हैं, न उन्हें कानून से रन करने दिया जाएगा, न ही रन करने दिया जाएगा। आज सुबह यह कहना कि अब याचना नहीं रण होगी, रण मतलब युद्ध करेंगे, अब याचना नहीं रण होगी, नहीं, आप ये बताइए, पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? जनता जनार्दन बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, न रण होगा और न रन होगा, आर यू एन रन, नाइदर यू शुड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम नॉर यू शुड रन अवे फ्रॉम द सिस्टम। देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे वो कांग्रेस की अध्यक्षा हो, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हो, चाहे वो आम जनता हो, सबके लिए देश का संविधान, देश का कानून एक बराबर है। तो देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध, यह संभव नहीं है, यह उचित नहीं है। और देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन, आर यू एन रन, यह भी संभव नहीं है। बता दें कि नेशनल हेरल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी एडी ने बुधवार को दिल्ली की हेरल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई की। यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपना कर्नाटक दौरा छोड़कर दिल्ली लौट आए थे। मंगलवार को ही एडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेरल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया और राहुल से पूछताछ के बाद की गई थी।